बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर फाइन। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम जो आए हैं वो डिनर के लिए आए हैं बाहर, और जो है वो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। थोड़ी देर पहले बहुत ज़ोरों की बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो है वो सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, शदीद सर्दी है। और ये जो है जिना पार्क है, और जिना पार्क के अंदर जो है वो डीवा होटल है, तो वहाँ पे हम आए हैं। और पार्क में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, बल्कि हल्की हल्की बारिश हो भी रही थी, तो हमने कहा चलें कुछ नहीं होता, जाके जो है वो डिनर करते हैं। और जो है वो डिनर करवा रहे थे मेरे भाई, क्योंकि उनकी बर्थडे थी, तो वो हमें जो है वो अपने बर्थडे की खुशी में डिनर के लिए लेकर आए हैं डीवा होटल। तो उसके बाद जो है वो हम जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो होटल के अंदर तो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन ओपन में जो है वो अरेंज किया हुआ था उन्होंने बहुत अच्छा, तो ओपन एयर में जो है वो हमने फिर डिनर किया और साथ साथ शदीद सर्दी भी इंजॉय की। कोविड की वजह से जो है वो अंदर तो अब बैन है कि आप जो है वो होटल के अंदर बिठा कर खाना नहीं खिला सकते हैं, लेकिन ओपन में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट था, तो हमने कहा तो जी आ गया हमारा खाना फाइनली। काफ़ी देर वेट किया और सर्दी भी बहुत शदीद थी, तो जो है वो सर्दी में वेट करना और ज़्यादा मुश्किल था। तो हमने जो है वो प्लेटर ऑर्डर किया है, फैमिली प्लेटर, तो बस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना था। और जो है वो मुझे अभी देख कर भी शदीद भूख लग रही है दोबारा से। सर्दी में खाना गर्मा गर्म खाना खा के तो मज़ा ही आ गया, और खाना वाकई बहुत मज़े का था, और भूख भी हमें बहुत ज़्यादा शदीद लगी हुई थी, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बस जो है वो सब कुछ मिल मिला के जो है वो काफ़ी शदीद भूख हो गई थी। तो अभी वॉइस ओवर करते हुए मुझे फिर से भूख लग गई है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था कि आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट्स भी करते हैं, तो उसके लिए जो है वो मैं बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। और आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, और जो है वो इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो है वो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक एंड कमेंट्स तो जो है वो ज़रूर कीजिएगा, कि इससे जो है वो मोटिवेशन मिलती है कि जी हम न्यू वीडियोस बनाने के लिए। जब हम खाने का वेट कर रहे थे तो हमने कहा चलें जो है फारिग बैठ के वेट करने से बेहतर है कि हम चलो क्यों ना गिफ्ट ही ओपन कर लें। और वैसे भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी हारून को, कि जो है वो मामू के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं, तो वो कह रहे थे कि चलें जल्दी जल्दी खोलते हैं और गिफ्ट देखते हैं कि मामू के क्या गिफ्ट आए हैं। तो ये उनको गिफ्ट मिले हैं, उनमें से जो है वो एक शर्ट है, एक सूट है, और बाकी ये अम्मी ने उनको पैसे दिए हैं। ये गिफ्ट जो है वो मेरे देवर इरफान ने और उनकी वाइफ ने जो है वो मेरे भाई को दिया है, और ये शर्ट है, बहुत ही अच्छे प्यारे से कलर की ब्लू कलर की शर्ट है,
और ये कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में स्पेशली पहने में। और ये गिफ्ट जो है वो ये गिफ्ट मैंने दिया उनको, और ये शलवार सूट है। और ये गिफ्ट मेरी सिस्टर ने उन्हें दिया है, मेरी सिस्टर है और उनकी भी सिस्टर है ऑफ कोर्स, तो उन्होंने जो है वो अपने भाई को गिफ्ट दिया और वो है शर्ट। जेंट्स के लिए जो है वो शर्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा या शलवार कमीज गिफ्ट होता है, या कोई परफ्यूम, इससे ज़्यादा क्या गिफ्ट हो सकता है। और अम्मी ने जो है वो उन्हें कैश गिफ्ट किया था कि आप अपनी मर्ज़ी से जो लेना चाहो ले लो। और मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।